तो वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े मैच की। तो कंफर्म ही हो चुका है क्राउन ज्वेल शो के लिए, और जैसा कि आपको पता ही है कि क्राउन ज्वेल शो इस साल ज़रूर होगा, वो भी अक्टूबर में। क्राउन ज्वेल ही नहीं बल्कि उसकी जगह में सुपर शोडाउन भी हो सकता है, कोई भी शो हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म हुआ है, और उस मैच के लिए आज हम इस चैनल पर बात करेंगे। और बिगी के कैशन के लिए भी कुछ प्लान्स रिवील किए गए हैं WWE की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिगी के कैशन के प्लान्स के बारे में। तो अभी थोड़े ही दिन पहले WWE ने एक बात रिवील की थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने कहा था बिगी कर सकते हैं कैश इन अपने पुराने नेम के लिए, और वो नाम आज से लगभग 7-8 साल पहले बताया जाता था बिगी का, जो था बिग ई लैंगस्टन। तो मेरे हिसाब से जो बिगी लैंगस्टन है वो बिगी से ज़्यादा सूट करता है बिगी को, एक नाम को अच्छा सा लुक मिलता है, बिगी ले सकते हैं वो। यहाँ पर बड़े बड़े चैंपियंस हैं बॉबी लैशली और रोमन रेंस, और उन पर बिगी का कैश इन करना थोड़ा कम है, मतलब कि भी इन दोनों में से किसी के हाथ से भी चैंपियनशिप नहीं जाएगी बिगी को। ऐसा भी हो सकता है कि जिस साल पिछले साल ओटिस के साथ हुआ था, जब मिज उनको हरा कर ले गए थे उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, और आज से लगभग 13 साल पहले भी हुआ था जब एज ने ले लिया था मिस्टर कैनेडी का ब्रीफकेस। ऐसा कुछ भी हो सकता है बिगी के लिए। अगले बड़े मैच के लिए बात कर लेते हैं हम क्राउन ज्वेल के लिए, जो कंफर्म ही समझ सकते हैं आप। क्राउन ज्वेल होने वाला इस साल का बहुत ही बड़ा पेपर व्यू, जैसा कि हमने देखा है 2018 में हर साल WWE सऊदी अरेबिया में एक बड़ा शो करते हैं, और उसमें लेजेंड्स का होना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। हो सकता है इस साल ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना भी होंगे इस साल, और होने वाला है किंग क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल्स, जो कि इतिहास में पहली बार होने वाला है। तो और यूनिवर्सल टाइटल का भी हम एक बड़ा मैच देखेंगे, और भी काफ़ी धमाकेदार यहाँ पर कोई टूर्नामेंट क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल्स, आप देखिए कितनी बड़ी बात होने वाली है। लेजेंड्स का आना तो बनता ही है, हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर भी वापस आए। लेकिन हम बढ़ लेते हैं उस मैच की तरफ जो आप मान सकते हैं कंफर्म, जैसा कि वही समर स्लैम 2021 में हम देखने वाले हैं एज बनाम सेथ रॉलिंस का मैच। एस्टिमेट 90% एज की जीत कंफर्म है, और वो होने वाला है 22 अगस्त को इंडिया में और एलिजेंट स्टेडियम में, और उसके बाद एज रहेंगे WWE में, और उनको न्यूयॉर्क के लिए माफ़ कीजिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है उसके लिए भी बुक किया गया है। और इस बात से पता चलता है कि वो समर स्लैम के बाद भी रहेंगे WWE में, और उसके बाद होने वाला है आई थिंक अक्टूबर 4 को ड्राफ्ट, और ये बात भी कंफर्म ही आप मान सकते हैं कि ड्राफ्ट होने वाले रॉ में, के कारण रॉ की रेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा उछाल आएगा। और जो अक्टूबर में ही होने वाला है क्राउन ज्वेल, तो उसके लिए एज कर सकते हैं किसी WWE चैम्पियन को भी चैलेंज, और जो भी उस वक्त WWE चैम्पियन होगा उसको करेंगे एज चैलेंज, और एज भी जीत भी सकते हैं अपनी 12th टाइटल, और बन सकते हैं वो एक ट्रिपल क्राउन चैम्पियन। तो ये थी कुछ बड़ी बातें जो अब तक रिवील की गई हैं, और आप कंफर्म भी मान सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और प्रेस कर दे बेल आइकन, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।